Good morning, students. I am Vikas Maheshwari for you to coming you for class 6, first chapter, knowing the numbers. ये first chapter का topic है आपका roaming numbers, roman numbers, यानी कि roman numerals. roman numbers क्या होते हैं? roman numbers वो numbers होते हैं जो हम symbol में use करते हैं. roman numeral system is one of the system in which certain symbols are used to the represent the number, यानी number को represent करने के लिए कुछ symbols का use करते हैं. जैसे for example हमारे सामने दे रखा है roman numerals, यानी कि फर्स्ट यानी कि वन को हम आई का यूज़ करते हैं, फाइव को बी का कैपिटल बी में यूज़ करते हैं, टेन को एक्स में यूज़ करते हैं सेम, ठीक है ना. फिफ्टी को एल में करते हैं कैपिटल एल, हंड्रेड को कैपिटल सी में शो करते हैं, और फाइव हंड्रेड को डी में शो, कैपिटल डी, और वन थाउजेंड को एम में शो करते हैं, ठीक है ना. इसके लिए कुछ रूल्स हैं कैसे हम किसी नंबर्स को कैसे बदल सकते हैं. तो देखो ज़रा क्या दे रखा है. तो देखो, इफ द सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट ऑकर्स, यानी कि जितने सिंबल्स प्रेजेंट दिखाई देंगे हमारे लिए उनको हम उतने ही नंबर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, देखो वन आई 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 थ्री टाइम्स लिखा हुआ था, यानी इसका मतलब वन प्लस वन इज कर लू कितना हो गया, थ्री हो गया. सेम पोजिशन पर यहाँ पे एक्स एक्स कितनी बार है, टू टाइम्स है, तो टेन प्लस टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी हो गया, ठीक है ना. ठीक है, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं सी 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 को क्या बोलते हैं, हंड्रेड, तो हंड्रेड प्लस हंड्रेड इज इक्वल टू टू हंड्रेड हो गया, ठीक है ना. तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट और भी देख सकते हैं. तो बी और भी सिंबल्स जो वी होते हैं, एल होते हैं और डी होते हैं, वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है ना. ओनली आई एक्स सी एम ही रिपीट होते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे हम, ठीक है ना. बी और डी, बी एल और डी को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं. सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटर्न टू द राइट ऑफ, यानी कि यहाँ पे दे रखा है ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटर्न टू द राइट ऑफ द साइड्स, ठीक है ना. राइट साइड पे लिखेंगे ऑफ द वैल्यू ऑलवेज गेट्स एडिड टू द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू. कहने का मतलब ये जो सिंबल होता है वो स्मॉलर वैल्यू को हम, जैसे चलो हम करके दिखा देते हैं आपको. जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है कि हम बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे और छोटी वैल्यू को बाद में लिखेंगे. जैसे वी आई, तो वी आई का मतलब हो गया फाइव प्लस वन इजिकल टू सिक्स, ना कि आई बी कभी नहीं लिखेंगे. आई बी का मतलब हो जाता है यहाँ पे फाइव माइनस वन इजिकल टू फोर, ठीक है ना. यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा इस चीज़ को लेके. अगर हम छोटे वाले को पहले लिखेंगे तो वो माइनस में काउंट किया जाएगा. जैसे एक्स आई है, तो एक्स आई का मतलब हो गया टेन प्लस वन इजिकल टू क्या बनेगा, एलेवन, ठीक है ना. इसी तरीके से आई एक्स होगा, तो आई एक्स का मतलब हो गया टेन माइनस वन इजिकल टू नाइन, ठीक है ना. तो इसी कंडीशन में एल को कभी नहीं लिखते हम साइड में, ठीक है ना. तो एल एक्स मतलब, एल मतलब फिफ्टी प्लस टेन एक्स मतलब टेन सिक्सटी, ठीक है ना. सेम सी एक्स आई, सी का मतलब हंड्रेड प्लस एक्स का मतलब टेन, ठीक है ना, प्लस आई का मतलब वन, ठीक है, क्या बनेगा वन हंड्रेड एलेवन, ठीक है ना. सेम टाइप से हम कर सकते हैं. कुछ हमारे पास क्या कहते हैं सिंबल्स हैं, तो कुछ रूल्स थर्ड है, ठीक है ना. सिंबल्स ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द, ठीक है ना. जो सिंबल स्मॉलर वैल्यू हमेशा कहाँ होती है, लेफ्ट में लिखेंगे तो हमेशा वो माइनस हो जाएगी. इस कंडीशन में मैंने आपको बताया, अगर लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं तो, लेकिन एल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना. एल को सॉरी, हाँ, यानी कि एल का यूज़ लेफ्ट में कभी नहीं करते हैं, ठीक है ना. जैसे हम कभी भी एल सी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना. एल सी का कोई मीन नहीं होता है, ठीक है ना. बाकी हम आई है, बी आई है, एक्स है, ठीक है ना, इसका यूज़ कर सकते हैं, सी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है. कुछ मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके लिए. देखो जरा सिंबल्स, जैसे आई वी, आई वी का मतलब यहाँ पे मैंने बताया था फाइव में से क्या करेंगे, वन माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा फोर. आई एक्स का मतलब नाइन, एक्स एल का मतलब फिफ्टी माइनस टेन इजिकल टू फोर्टी, ठीक है ना. सेम पोजिशन पर हमारे पास क्या है एक्स सी, तो एक्स सी का मतलब हंड्रेड माइनस टेन इजिकल टू नाइन्टी, ठीक है ना. सी डी, सी डी का मतलब फाइव हंड्रेड माइनस हंड्रेड इजिकल टू फोर हंड्रेड, ठीक है ना. तो सेम इसी को हम फिर राइट द फॉलोइंग नंबर्स, नंबर्स को कैसे लिखेंगे देखो जरा. थोड़ा सा सिंबल देते हैं हम, एक
72 का मतलब हो गया 50 + 20 + 2, ठीक है ना। तो 50 का मतलब हो गया L, ठीक है। 20 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे X, क्लियर। और 2 को हम क्या करेंगे I, क्लियर। इस तरीके से लिख सकते हैं ऐसे 96। तो 96 में हमारे पास कंडीशन है, यानी क्या लिख सकते हैं 100 - 4, यही तो लिख सकते हैं। या फिर ऐसा करो 90 + 6 लिख लो, ठीक है। तो 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 का मतलब होता है XC, यानी C में से X माइनस कर देने पर, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, और प्लस 6, यानी 6 की वैल्यू हो गई VI, यही तो हो गया VI, यानी कि ये 90 हो गया, ये 96 हो गया, ठीक है ना। सेम 594, तो 594 का मीन्स क्या हुआ, 590 + 90 + 4, ठीक है ना। या फिर हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, यही कंडीशन आएगी ना हमारे पास, ठीक है। 500 का क्या हो गया हमारे पास D, ठीक है ना। और D 90 को हम क्या लिखेंगे, XC, ठीक है। 4 को हम IB, ठीक है ना। ये आपका रिप्रेजेंटेशन कंडीशन हो गई, ठीक है ना। सेम एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग्स इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, वही आएगा एक्स का 10, फिर 10, फिर 10, फिर प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके से हम 30, 35, 38 लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या है, डी का मतलब 500 हो गया, सी 100 + 100 + 100, प्लस बी का मतलब 5 + 1, तो क्या बनेगा 806, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 200, 265, ठीक है ना। और अगर हमें 5000 है, या फिर क्या कहते हैं L बार, यानी कि 50,000, इसका मतलब होता है बार मीन्स का मल्टीप्लाई बाई, यानी कि 1000 से हम मल्टीप्लाई, यानी बार लगाने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।